तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों झारखंड की 81 सीटों के लिए सबसे सटीक और सबसे ताजा एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहा है। आखिर जेएमएम की सरकार क्यों बन रही है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जानेंगे झारखंड का अब तक का क्या रहा इतिहास, कब किसको कितनी सीटें मिली हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और अगर बात करें तो लड़ाई बीजेपी और जेएमएम में ही बड़ी दिखाई दे रही है। आखिर जेएमएम क्यों यहां पर पावरफुल यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह है कि गठबंधन एक तो, और एक अगर बात करें तो बीजेपी को इस समय नुकसान हुआ है। गठबंधन में बीजेपी नहीं है, बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन एग्जिट पोल से पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, क्या है झारखंड का इतिहास। तो झारखंड का इतिहास, सन 2000 में ये राज्य बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। खनिज संपदा काफी मात्रा में पाई जाती है, और अगर बात की तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी यही माना जाता है। 2014 में इन सीटों की अगर बात की तो 45 सीटें ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, और यहां से बीजेपी ने 20 सीट निकाली थी, जेएमएम ने 11, जेवीएम को 5 सीट मिली। लेकिन 2019 के लिए क्या आंकड़े बन रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते विधानसभा 2005 के क्या आंकड़े रहे थे। अगर बात करें तो बीजेपी के लिए यहां पर 30 सीट मिली, और आपकी जानकारी के बता दें कि यहां से 41 सीटें पूर्ण बहुमत के लिए आती हैं। जेडीयू के खाते में 6 सीट गई, और यहां पर जेएमएम के खाते में यहां पर 17 सीटें गई, और यहां पर कांग्रेस के खाते में 9 सीट, और यहां पर अगर बात करें तो आरजेडी के खाते में 7 सीट गई, अन्य के खाते में 12 सीटें गई, लेकिन पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। हालांकि बीजेपी सरकार बनाई, लेकिन पूरे 5 साल तक ये सरकार नहीं चली, बीच में राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन विधानसभा चुनाव 2009 के आंकड़े आपको दिखाएं तो इसके अंदर भी बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें इस बार मिली, और जेएमएम के खाते में भी 18 सीटें गईं। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार भी पूरे 5 साल नहीं चली, और बीच में कांग्रेस के साथ मिलकर जेएमएम ने सरकार बनाई, कांग्रेस के खाते में 14 सीटें थी, वहीं जेवीएम को यहां पर 11 सीटें मिली, और इसके अलावा आसू पार्टी के 5 सीटें इनको खाते में गई, और यहां पर अगर बात करें तो आरजेडी ने यहां पर 5 सीटें हासिल की है, और अन्य के खाते में भी 8 सीट यहां पर मिली। लेकिन सवाल कि किसी को पूर्ण बहुमत एक बार फिर से नहीं मिला, गठबंधन की सरकार एक बार फिर बनी, पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर यहां पर कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार भी पूरे 5 साल नहीं चली, फिर यहां पर दोबारा चुनाव किए गए। 2014 के क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो 2014 में बीजेपी को 37 सीटें, यहां पर भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में 6 सीटें गईं, और यहां पर जेवीएम को यहां पर 19 सीटें गईं, और एजीएस पार्टी के खाते में 5 सीट, एक बार फिर से उनके खाते में 5 सीट गई, जेवीएम को 8 सीट इस बार मिली, और इस तरह से किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। एजीएस पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार तो बना ली, और पूरे 5 साल तक ये सरकार चली। ये भी एक रिकॉर्ड है कि रघुवर दास की सरकार जो है वो पूरे 5 साल कार्य किया है, और ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री झारखंड के अंदर बने। लेकिन 2019 के लिए क्या आंकड़े यहां पर निकल के सामने आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन 2014 के लिए झारखंड का क्या था एग्जिट पोल, इंडिया टुडे के अनुसार 43 से 51 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती थी, जिनमें 37 सीटें बीजेपी मिली। डीजल का जो ओपिनियन पोल था उसके अनुसार 52 सीटें, लेकिन मिली कितनी 37, तो सी वोटर का जो सर्वे था उसके अनुसार 37 से 45 सीटें यहां पर बताई गई थी, 37 सीटें बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस को 7 से 11 दिखाई थी, और जेबीएम के खाते में 14 से 18, लेकिन 19 सीटें इनको गई थी। तो इस तरह से 2014 के लिए एग्जिट पोल सामने आ रहे थे, लेकिन 2019 के लिए क्या एग्जिट पोल सामने बनेंगे। लेकिन इससे पहले बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गठबंधन की सरकार 2018 से 2019 तक बनती आ रही है, और ये झारखंड का इतिहास है कि अब तक पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला है। भले ही बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में है और 65 का नारा लेकर चल रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी सीटें उनको जा सकती हैं। लेकिन आंकड़े यहाँ पर जो निकल कर आ रहे हैं वो गठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार हमने इससे पहले भी देखी है। महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन की सरकार बनी, हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार बनी, मध्य प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और यहाँ पर कह सकते हैं कि गठबंधन की ही सरकार बनी। तो ये गठबंधन की ही सरकार विधानसभाओं में बन रही है, और बीजेपी अकेले ही चुनावी मैदान में दौड़ पड़ी है।
ऐसे में नुकसान बीजेपी को होता नजर आ रहा है। ये सर्वे है और ये आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं। और 2019 के लिए क्या कहता है एग्जिट पोल झारखंड के लिए, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का जो महागठबंधन है उसको 42 सीटें जा सकती हैं, मतलब सरकार में ये वापसी कर सकते हैं, गठबंधन को यहाँ पर बहुमत मिलता नजर आ रहा है। ये पब्लिक सर्वे का ये सर्वे आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जेबीएम के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, एजीएस जो पार्टी उसको 4 सीट यहाँ पर जा सकती हैं, और बीजेपी को 30 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य के खाते में 3 सीट यहाँ पर जा सकती हैं। तो ये कुछ बड़े आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं कि गठबंधन की सरकार हमने इससे पहले देखी है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइनल आंकड़े जो है वो 23 दिसंबर को देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एग्जिट पोल हैं और आगे जिस प्रकार से चुनाव बढ़ेंगे, कई बड़े चुनावी प्रचार होंगे और उससे जनता किसके पक्ष में जाती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपको क्या लगता है इन 81 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय भी ली जाती है, आपकी राय भी पढ़ी जाती है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।